हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो हाय, माय नेम इज मिमी। आज के इस वीडियो में हम ट्राई करने वाले हैं एक DIY हेयर मास्क, और इस मास्क को बनाने के लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि हमें हाइड्रेशन और प्रोटीन दोनों मास्क ही हमारे हेयर पर यूज करना चाहिए, क्योंकि हमारे हेयर को हाइड्रेशन और प्रोटीन दोनों का ही जरूरत होता है, और इन दोनों के बैलेंस से ही हमारा जो हेयर है वो हेल्दी रहता है। तो आज जो मास्क हम ट्राई करने वाले हैं वो ना तो सिर्फ आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, बट ऑल्सो आपके बालों को रिपेयर भी करेगा, और आपके बालों पर शाइन और स्मूथनेस भी ऐड करेगा। तो अगर आपको जानना है कौन सा है वो दो इंग्रेडिएंट्स और कैसे इस मास्क को बनाना है और बालों पर यूज करना है, तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है मेथी या फिर फेनुग्रीक। तो हमें थोड़ा सा फेनुग्रीक रात में भिगोकर रखना है। कितना मेथी लेना है वो आप डिसाइड कीजिएगा आपके हेयर के लेंथ और थिकनेस के हिसाब से। मतलब एक हेयर मास्क बनाना है उसके हिसाब से जितना आपको लगता है सही रहेगा क्वांटिटी उतना। अब इसमें थोड़ा पानी ऐड करके ढक के किसी कंटेनर में रात भर के लिए छोड़ दीजिए, और सुबह को पानी मेथी में से अलग करके मेथी का एक पेस्ट तैयार कीजिए जो कुछ इस तरीके का दिखेगा। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है कोकोनट मिल्क। थोड़ा थोड़ा करके कोकोनट मिल्क को हमें मेथी पेस्ट के साथ ऐड करना है, और कितना कोकोनट मिल्क ऐड करना है वो भी आप मेथी के हिसाब से ही ऐड कीजिएगा। दोनों मिक्स करने के बाद मिक्सचर कुछ किस तरीके का दिखना चाहिए वो मैं अभी दिखाऊंगी आपको एक मिनट में। तो इस मिक्सचर को अब हमें हमारे स्कैल्प और हेयर पर अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद हमें इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद सिर्फ शैम्पू से हमें इसे वॉश करना है। फेनुग्रीक एक रिच सोर्स है आयरन और प्रोटीन का, जो कि सिर्फ हेयर ग्रोथ को ही प्रमोट नहीं करता है, बट इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज स्कैल्प इन्फेक्शंस डैंड्रफ को भी दूर भगाता है। और भिगोए हुआ फेनुग्रीक में स्लिप होता है। फेनुग्रीक को रात भर भिगोए रखने के बाद सुबह जब आप पानी को फेनुग्रीक से अलग करेंगे तो आपको फील होगा फेनुग्रीक बहुत स्लिपरी फील हो रहा है, और इस भिगोए हुए फेनुग्रीक को बालों पर यूज करने से ये बालों पर स्लिप ऐड करता है, जो कि फ्रिज और फ्रिक्शन को बालों से दूर भगाता है। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है, कोकोनट मिल्क इज वन ऑफ माय फेवरेट इंग्रेडिएंट्स टू यूज इन माय DIY हेयर मास्क्स, क्योंकि कोकोनट मिल्क में होता है लॉरिक एसिड और हाई प्रोटीन। लॉरिक एसिड एक तरीके का फैटी एसिड है जो कि हमारे हेयर के क्यूटिकल्स को अंदर से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और हमारा जो हेयर है वो बनता है एक प्रोटीन से जिसका नाम है केराटिन। तो जब भी आप कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट आपके बालों पर करते हैं तो वो सिर्फ आपके बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और मैनेजेबल ही नहीं बनाता है, बट उसको हेल्दी और स्ट्रांग भी बनाता है। इस DIY हेयर मास्क के 2 डाउनसाइड्स है। आप सोच रहे होंगे DIY मास्क का डाउनसाइड क्या हो सकता है। पहला जो डाउनसाइड है वो है कि जब भी आप इस मास्क को अप्लाई करें, मेक श्योर आप वॉशरूम या फिर बाथरूम में खड़े होकर ही अप्लाई करें, क्योंकि फेनुग्रीक बहुत स्लिपरी होता है, और अगर रूम में आप इसे अप्लाई करेंगे तो मेस क्रिएट हो जाएगा। और जो सेकंड डाउनसाइड है वो है कि नो मैटर आप कितने ही अच्छे से आपके बालों को शैम्पू से वॉश क्यों ना करें, फेनुग्रीक का थोड़ा सब्सटेंस थोड़ा लेफ्ट ओवर बालों पर रह जाता है, जो कि आपका हेयर एक बार ड्राई हो जाने के बाद, एक दो बार हेयर को कॉम करने के बाद बालों से निकल जाता है, बट हाँ, शैम्पू करने के बाद भी थोड़ा रेसिड्यू बालों पर रह जाता है। मैं डिफरेंट स्टोर बॉट मास्क ट्राई करती रहती हूँ मेरे बालों पर, बट DIY मास्क का खासियत ये है कि अगर आप कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करें आपके DIY मास्क में जो कि असल में आपके बालों के लिए बेनिफिशियरी है, तो डिफरेंस आपको खुद पता चलेगा। जैसे कि ये मास्क हो गया, इसको यूज करने के बाद आपको सिर्फ आपका हेयर सॉफ्ट और मैनेजेबल है नहीं फील होगा, बट आपका हेयर पहले से ज्यादा हेल्दियर भी फील होगा। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि एक बार इस मास्क को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आप ये हेयर मास्क ट्राई करने वाले हैं और ट्राई करने के बाद आपका थॉट्स क्या है इस हेयर मास्क के बारे में, और आपका जो हेयर है वो कैसा फील हो रहा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और एक दूसरे वीडियो के साथ बहुत जल्द मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।